ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर 8 ऑफ साइंस। ओके, आज मैं आपको साइंस का 8 चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो विच इज अवर 8th चैप्टर, कौन सा है हमारा 8th चैप्टर? सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ओके, सो वाटर जो है मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वाटर इज़ वेरी नीडेबल थिंग। फर्स्टली हमने जो प्रीवियस चैप्टर में वाटर पर डिस्कशन किया है, सो हम उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। वंस अगेन रिपीट। ओके, सो वाटर इट मीन्स वाटर इज वेरी नीडेबल थिंग फॉर अस। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू वाटर टू लिव। सभी लिविंग थिंग्स को वाटर की नीड होती है रहने के लिए, पता है आप लोगों को। ओके, सो फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, वाटर हमें कहाँ से मिलता है? वाटर वी गेट फ्रॉम रेन। जब बारिश होती है तो उस रेन वाटर से जो भी सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं लाइक पोंड, लेक, रिवर्स, सब फील हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ से हम वाटर गेट करते हैं। एंड अंडरग्राउंड वाटर जो होता है बाय डिगिंग वेल और ट्यूबवेल हम गेट करते हैं। गॉट इट? सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये सब। और वाटर की जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ यूजेस ऑफ वाटर, तो वाटर के क्या क्या यूजेस होते हैं? बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। ओके, इन सभी चीज़ों में वाटर का यूज़ होता है। सो फॉर ड्रिंकिंग, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। कैसा वाटर ड्रिंक करना चाहिए हमें? क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए। और वाटर को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं हम? यस, बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग से क्या होता है? वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। ओके, एंड उन जर्म्स को किल करने के लिए हम वाटर फिल्टर का भी यूज़ करते हैं। गॉट इट? समझ में आया आपको? सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक। इट मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में मैं आपको वाटर की प्रॉपर्टीज़ बताने वाली हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। गॉट इट? सो वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इट मीन्स यू नो वेरी वेल, वाटर जो है वो क्या है? लिक्विड है। ओके, और कैसा लिक्विड है? टेस्टलेस लिक्विड है। इट मीन्स वाटर में कोई टेस्ट नहीं होता है ना? इट हैज़ नो कलर, ना इसका कोई कलर होता है। इट हैज़ नो स्मेल, ना इसके पास कोई स्मेल होती है। जैसा कलर हम इसमें मिक्स करते हैं ये वैसे कलर का हो जाता है। गॉट इट? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, वाटर इज द मैटर। ओके, अब वाटर मैटर है ये हमें पता है। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि मैटर के 3 स्टेट्स होती है। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सो यू नो वाटर कैन एग्जिट इन 3 स्टेट्स। वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में ही हो सकता है। ओके, इट मीन्स वाटर जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। ओके, वो किस तरह से? सो वेन एवर वी विल फ्रीज द वाटर, जब भी हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस। ओके, आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमने वाटर को फ्रीज किया है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब वही आइस मेल्ट होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में कन्वर्ट हो गया। उसी वाटर को जब हम बॉइल करते हैं तो वो वाटर वेपर एंड स्टीम में चेंज होता है। समझ में आ रहा है आपको? जब वो आइस फॉर्म में है सो क्या है? वो सॉलिड है ना? जब वो मेल्ट हो गया आइस तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। एंड आफ्टर दैट जब हमने उसको बॉइल किया तो वाटर वेपर या स्टीम, इट मीन्स वो गैस में कन्वर्ट हो गया। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों ही स्टेट में हो सकता है। गॉट इट? एंड आफ्टर दैट वाटर हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वाटर के पास और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है लाइक वाटर ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, नेक्स्ट वाटर हैज़ मास एंड वाटर हैज़ नो डेफिनेट शेप। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? ये प्रॉपर्टीज भी होती है वाटर के पास। अब जब हम बात करते हैं वाटर ऑक्यूपाइज स्पेस, फॉर एग्जांपल टेक एन एम्प्टी ग्लास, हम एक एम्प्टी ग्लास लेते हैं। ओके, सो मैंने आपको बताया है जब भी कोई स्पेस खाली होती है तो वहाँ पर कौन होता है? एयर। ओके, इट मीन्स जब वो ग्लास एम्प्टी है, खाली है, तो उसमें क्या है? एयर है। लेकिन जब हम उसमें वाटर फिल करते हैं, ओके, तो क्या होता है? जो वाटर होता है वो उस एयर को पुश करते हुए उसमें फील हो जाता है। ओके, इट मीन्स क्या है? आपको समझ में आया कि वाटर को क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। वाटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, मैंने आपको बोला वाटर हैज मास। ओके,
फॉर एग्जाम्पल वी टेक टू बलून्स, हम टू बलून्स लेते हैं, एक में हम एयर फिल करते हैं एंड अदर जो है उसमें हम वाटर फिल करते हैं. ओके, जब दोनों ही बलून्स को हम हैंड में अपने होल्ड करते हैं सो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एयर बलून, ओके, जिस बलून में हमने एयर फिल किए उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वाटर फिल्ड बलून है वो हैवियर होता है, उसका वेट होता है. ओके, इट मीन्स समझ में आ रहा है आपको कि वाटर हैज मास, वाटर हैज वेट. ओके, नाउ थर्ड मैंने आपको बताया वाटर हैज नो डेफिनेट शेप, वाटर के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. ओके, सो लाइक वाटर और जूस है ना, जो भी चीजें हमारे पास है अगर हम उसको एक ग्लास में फिल करते हैं है ना, एंड एक जग में फिल करते हैं और बाउल में फिल करते हैं, तो जो भी हमारे ग्लास का शेप है या बाउल का शेप है, तो हमने जो वाटर है या जूस उसमें फिल किया है वो उस जो कंटेनर है उसके अकॉर्डिंग अपना शेप गॉट कर लेता है. गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको? इट मीन्स वाटर के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. गॉट इट, आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि वाटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड वाटर हैज मास. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर सॉल्यूशन. ओके, सो वाटर सॉल्यूशन इट मींस अ सॉलिड दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड. ओके, जब हम वाटर में किसी भी चीज को मिक्स करते हैं, ओके, लाइक हमने अगर सॉल्ट मिक्स किया या शुगर मिक्स की, ओके, तो जो सॉलिड हमने उस लिक्विड में मिक्स किया है, सॉलिड इट मींस मान लेते हैं हमारा सॉल्ट और लिक्विड हमारा वाटर, तो जो सॉलिड चीज है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं. गॉट इट, समझ में आया? जो सॉल्ट है वह हमारा वो क्या है, सॉल्यूट है. ओके, एंड जिस लिक्विड में हमने उसको मिक्स किया है, इट मीन्स हमने उसको वाटर में मिक्स किया है, सो वो वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है. गॉट इट. सॉलिड जो है हमारा सॉल्ट वो सॉल्यूट है, और लिक्विड जो है हमारे पास वाटर वो सॉल्वेंट है. अगर हमने सॉल्ट एड वाटर, सॉल्ट में वाटर को मिक्स कर दिया है, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो गया है, इट इज द सॉल्यूशन. गॉट इट, समझ में आ रहा है? सॉल्ट जो है वो हमारा सॉल्यूट है, ओके, इट मीन्स सॉलिड फॉर्म में है. वाटर जो है वो हमारा सॉल्वेंट है, इट मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में है, और जब दोनों एड हो गए हैं दैट इज सॉल्यूशन. इट मीन्स क्या बन गया, उससे सॉल्टी वाटर बन गया, वो सॉल्टी वाटर हमारा क्या है, सॉल्यूशन है. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. ओके, इट मीन्स जब भी हम वाटर में कोई थिंग को ऐड करते हैं, अगर वो उसमें मिक्स हो जाती है, ओके, तो वो क्या हुआ, सॉल्यूबल थिंग हुई. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने सॉल्ट लिया और सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया, तो वो उसमें मिक्स हो जाता है. क्या हम उसको फाइंड कर सकते हैं वापस वाटर के अंदर? नहीं. इट मीन्स सॉल्ट जो है वो क्या, कौन सी थिंग हो गई, सॉल्यूबल थिंग हो गई. वहीं अगर हम बात करें सैंड, ओके, इट मीन्स रेत की, अगर हमने रेत को वाटर के अंदर मिक्स करने की कोशिश की, ग्लास में फिल किया, तो क्या वो उसमें मिक्स होगी? नहीं, इजीली हम उसको उसमें से फाइंड कर सकते हैं. ओके, इट मीन्स जो सैंड है वो क्या हो गया, इनसॉल्यूबल हो गया. ओके, इट मीन्स यू हैव टू रिमेम्बर दिस, सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूबल. जो सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूबल कहते हैं. एंड सब्सटेंसेस दैट डोंट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल. ओके, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनसॉल्यूबल कहते हैं. गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको? सॉल्यूबल फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, सुगर, ओके, एंड इनसॉल्यूबल फॉर एग्जाम्पल चॉक, सैंड. गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको? वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड सिंक इन वाटर, है ना. हमने देखा कि कुछ जो थिंग्स है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हम अगर वाटर के अंदर थ्रो करते हैं तो वो क्या होते हैं, उसमें सिंक हो जाते हैं, इट मीन्स डूब जाते हैं. एंड कुछ थिंग्स जो होती है उसमें फ्लो करती है, इट मीन्स उसके ऊपर तैरती है. ओके, इट मीन्स वो उसमें सिंक, इट मीन्स डूबती नहीं है. ओके, जैसा कि अगर हम एक लीफ प्लांट से ब्रेक करते हैं और उसको वाटर के अंदर डालते हैं, तो क्या वो उसमें सिंक हो जाती है? नो. क्या होगा, इट्स फ्लो इन द वाटर, वो वाटर पे फ्लो होती है. वहीं अगर हमने एक स्टोन लिया, चाहे वो छोटा स्टोन हो या बड़ा हो, स्मॉल हो या बिग हो, वो क्या करता है, वाटर के अंदर सिंक हो जाता है, डूब जाता है. गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको? सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ओके, एंड हैव डिफरेंट मास एंड साइज. ओके, सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर व्हाइल अदर सिंक्स, इट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट हम हमारे आसपास देखते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, उनका डिफरेंट मास, इट मीन्स वेट होता है, और डिफरेंट साइज होती है ना. कुछ जो है वो वाटर के अंदर फ्लो होते हैं और कुछ उसके अंदर सिंक हो जाते हैं. गॉट इट, समझ में आया आपको? सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, वाटर हैज सम प्रॉपर्टीज, वाटर के पास कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है. अब आपको क्या करना है, अपनी बुक में चैप्टर 8 को अच्छे से रीड करना है. ओके, आफ्टर दैट इसकी एक्सरसाइज को आपको
कंप्लीट करना है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। थैंक यू।